Hello to everyone, welcome to my channel. This is Vidu Words and I hope you all are happy, healthy and safe. So guys, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेनली ये क्वेश्चंस करते हैं कि हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, बट वट आर द अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद. सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कर सकते हैं. सो गाइज, देखिए पहले मैं आपको बता दूँ नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता क्या है. दिस इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए. एंड इफ़ यू आर क्लियरिंग जेआरएफ ऑल्सो, तो आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है जिसमें आपका जितना भी रिसर्च का, पीएचडी का, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो गवर्नमेंट देती है. सो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि नेट जेआरएफ के बाद क्या क्या आपके अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, कहाँ आपको कितना सैलरी का पैकेज मिल सकता है और आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं नेट जेआरएफ के बाद. सो गाइज, फर्स्टली जो आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, अब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज ने बिल्कुल इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया है कि इफ़ यू वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू क्लियर योर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम. सो मैंने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नोट्स बना सकते हैं, कहाँ से आप स्टडी मटेरियल को ला सकते हैं. सो आप उन वीडियोज़ को विजिट कीजिए. एंड टाइम टू टाइम मैं नेट जेआरएफ के टॉपिक एज वेल एज सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ. मैं जो सब्जेक्ट लेती हूँ नेट जेआरएफ में, वो पेपर वन पूरा एंड पेपर टू में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोड 55, मैनेजमेंट कोड 17 एंड कॉमर्स कोड 8, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. सो गाइस, देखें नेट जेआरएफ के बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है वो गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. यहाँ पर आप लोग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं. सो गाइस, देखिए जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर टाइम टू टाइम फॉर्म निकलते हैं, आपको पैनल पर आना पड़ता है. उसके बाद आप पैनल पर आने के लिए भी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है. सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हम पहले बात करते हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है. सो वहाँ पर आप लोगों को हर ईयर दो बार वहाँ पैनल पर फॉर्म निकलते हैं. आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग रूल होता है कि कब वो फॉर्म निकालते हैं, उसकी भी मैं सारी डिटेल आपको देती रहती हूँ, तो आप वीडियोज़ को चेक कीजिए एंड वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो गाइज, देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप पैनल पर आ जाते हैं, सो आप एलिजिबल हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए. इंटरव्यू में नेट होना बहुत ज़रूरी है और बाकी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी कैपेबिलिटी, आपने इंटरव्यू कितने अच्छे से दिया है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या है, इस सबको देखकर आपका सिलेक्शन होता है. लेकिन अब हर यूनिवर्सिटी में नेट जेआरएफ को कंपलसरी कर दिया है, बिना नेट जेआरएफ के आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. सो गाइज, देखिए परमानेंट इसमें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर दो तरह की जॉब होती है, मेनली कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट. तो यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को बहुत अच्छा अमाउंट, 60 to 70,000 ये लोग पे करते हैं. सो बहुत ही अच्छा अमाउंट है आपकी स्टार्ट, अगर आप करना चाहते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक आईपी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, एमएटी यूनिवर्सिटी. यहाँ पर आप एज अ फ्रेशर जाएंगे तो भी आपको ये लोग 40,000 आराम से पे करेंगे. सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी पे 50 to 60,000 रहता है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना अलग प्रोसेस रहता है. डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यूजीसी डिसाइड करती है, लेकिन उनके पास एक अपनी ऑटोनॉमी रहती है, अपना फीस स्ट्रक्चर, अपना कोर्स स्ट्रक्चर, ये सब डिसाइड करने की. ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है. अब आती है बात सेमी गवर्नमेंट की, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही रोल रहता है. सो गाइज, जितने भी यूनिवर्सिटी में बता रही हूँ, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी है जॉब की बहुत अच्छी. अगर आप कहीं अप्लाई करें तो किसी अच्छी यूजीसी, जहाँ पे यूजीसी आपके यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वही यूनिवर्सिटीज़ आप ज्वाइन करें.
सो गाइस ये था नेट जेआरएफ के बाद एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि पीएचडी, पीएचडी में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी कराती हैं एंड उसके पीएचडी के लिए भी वो आपको कुछ पैसे देती है, आपकी कुछ इनकम होती है पीएचडी करने करते हुए, जहाँ पर आप उनके लिए रिसर्च करते हैं एंड वो आपको कुछ इनकम देती है। सो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नेट जेआरएफ के बाद आपकी लाइफ में ओपन हो जाते हैं। यू नो नेट जेआरएफ के बाद आपको एक अलग से प्रेफरेंस मिलती है, कहीं भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाएं, आप रिसर्चर एज अ रिसर्चर जाएं कि आपको रिसर्च करना है। सो गाइस ये सारे आपके पॉइंट्स थे जहाँ जो आप नेट जेआरएफ के बाद एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हेल्दी, कीप सेफ।